नोसरी डैम। नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट डैम मुजफ्फराबाद से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर वाकया है। डैम का मकसद दरियाए नीलम के पानी को टनल के जरिए दरियाए झेलम में बिजली पैदा करने के लिए मोड़ना है। ये सियाहती मकाम है और नीलम वैली रोड के साथ सफर के दौरान सियाहों को रागिब करता है। कुटन वादिये जागरण। कुटन की हैरत अंगेज खूबसूरती सतह समंदर से 1530 मीटर की बुलंदी के साथ 10 किलोमीटर के दायरे में इसको वादी जागरण बना देती है। ये इलाका कुंडलशाही से 16 किलोमीटर दूर है और ये सड़क के जरिए काबिले रसाई है। सियाहों की सहूलत के लिए HAK टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक रेस्ट हाउस तामीर किया है, जबकि मलाइका रिहायशी कम्प्लेक्स जो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन PDO के ज़ेरे इंतज़ाम रिहाइश के लिए भी दस्तयाब है। वादिये जागरण, जो वाकई फितरत से मोहब्बत करने वालों और एडवेंचर के मुतलाशी अफराद के लिए जगह देखने के काबिल हैं। बाबून टॉप की तरफ जीप ट्रैक जागरण के इलाके से भी काबिले रसाई है, जो पेटलियान रतिगली झील के इलाके को मिलाता है। अठ मकाम कुंडलशाही से 10 किलोमीटर दूर है। ये 1371 मीटर की ऊंचाई पर वाकया है। नीलम जिला का जिलाई सदर मकाम होने के नाते ये सियाहों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जाने के लिए गेटवे के तौर पर काम करता है। ये एक पुरकशिश जगह है जो अपने मुख्तलिफ किस्म के फलों के लिए जाना जाता है। तमाम ज़रूरी सहूलियात जैसे बाज़ार, डाकखाना, बैंक, अस्पताल, PWD रेस्ट हाउस और कुछ निजी होटल अच्छे मेयार के साथ दस्तयाब हैं। केरन, ये अठ मुकाम से 9 किलोमीटर के फासले पर है। केरन दरियाए नीलम के दाएं किनारे पर सतह समंदर से 1524 मीटर बुलंदी पर वाकया है। वादी के इस हिस्से में बहुत दिलकश मनाजिर हैं। एक छोटा सा बाजार और महकमा सियाहत का रेस्ट हाउस दरियाए नीलम के किनारे पर वाकया है और दरिया के दूसरे किनारे पर मकबूजा कश्मीर को इंतहाई करीब से देखा जा सकता है। AJK टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ टूरिज्म होटल्स कायम किए हैं, जो केरन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। अपर नीलम नीलम गांव से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। ये सतह समंदर से 1824 मीटर बुलंदी पर है। जंगली फलों और जंगली जिंदगी में घिरा हुआ यह हैरत अंगेज सरसर्स गांव मुल्क के हर कोने कोने से आने वाले सियाहों को अपनी तरफ रागिब करता है। इस जगह की एक और काबिले जिक्र खसूसियत यह है कि यहां से मकबूजा कश्मीर का पूरा इलाका देखा जा सकता है। गांव के अकबी हिस्से से
बबून टाव की तरफ एक सड़क की तामीर हो गई है। शारदा दौरिया से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। 1981 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ा एक खूबसूरत सरसब्ज मकाम है। शारदी और नारदी दो पहाड़ी चोटियां हैं जो इस वादी से नज़र आती हैं, जिनका नाम अफसानवी शहजादियां शारदा और नारदा के नाम पर रखा गया है। शारदा वादी से नूरी टॉप के ज़रिए वादी कागान के लिए रास्ता निकलता है। एजे के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ सयाहों की सहूलियात के लिए टूरिस्ट रेस्ट हाउसेज, यूथ हॉस्टल्स, कैफेटेरिया और गेम्स रूम पर मुश्तमिल एक टूरिस्ट विलेज भी कायम किया है। शारदा से 19 किलोमीटर का सफ़र तय करके केल तक पहुंचा जा सकता है। ये 2097 मीटर की बुलंदी पर एक छोटी सी वादी है। ये वादी नीलम में एक खुशगवार और खूबसूरत मकाम है। शोंटर नाला इस जगह पर ही दरियाए नीलम से मिलता है। केल से 9 किलोमीटर दूर हनरी का एक गांव है। इस गांव तक सिर्फ पैदल सफर करके ही पहुंचा जा सकता है। अरंगकेल की कुदरती खूबसूरती की वजह से अरंगकेल तक केबल कार की पिक एंड ड्रॉप सर्विस की सहूलत भी मौजूद है। ज्यादातर सयाह इसके जरिए ही अरंगकेल तक जाते हैं। सयाहों की जरूरत पूरी करने के लिए कुछ गेस्ट हाउस और खाने पीने की सहूलियात भी मौजूद हैं। ये वादी कोहिमालिया में वाक़ा है और केल से तकरीबन 38 किलोमीटर दूर है और ये सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। गुरेज वादी को बर्फपोश पहाड़ों ने चारों अतराफ से घिरा हुआ है। इस वादी में मुतअद्दिद जानवर और जंगली हयात हैं, जिनमें हिमालयन ब्राउन बियर और स्नो लेपर्ड शामिल हैं। सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से इस वादी का राबता साल के 5 महीनों तक मुनकता रहता है। रिवायती लकड़ी के घरों और सकाफत के साथ इस वादी में बहुत ही दिलकश और खूबसूरत नज़ारा है। जानबाई, फलवाई, सरदारी, हलमत, करीमाबाद और ताओबर्ड जैसे खूबसूरत मकामात इस वादी में आते हैं, जहां सयाहों के लिए ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के साथ दर्जनों गेस्ट हाउसेस दस्तयाब हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको मज़ीद नॉर्दर्न एरियाज़ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिल सके।